राम मंदिर मुद्दे का हल ना तो लोकतंत्र के मंदिर में निकल पा रहा है और ना ही कानून के मंदिर में और ना ही धर्म संसद में। सुप्रीम कोर्ट से तारीख पर तारीख मिल रही है, संसद में सरकार कुछ करने को तैयार नहीं, बल्कि मोदी सरकार को घेरने वाली वीएचपी के विरोधी सुर भी शांत हो गए हैं। इसलिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में आक्रोश भड़क उठा है और उसने ऐसी चेतावनी दी है जो मोदी सरकार की चिंता की लकीरों को और बढ़ाएगी। 1992 में बीजेपी ने अयोध्या कूच कर केंद्र में सत्ता की राह तो आसान कर ली, लेकिन अब अयोध्या कूच बीजेपी के केंद्र की राह मुश्किल करने वाला है, क्योंकि इस बार सड़कों पर साधु संत उतरेंगे और मोर्चा मोदी सरकार के खिलाफ होगा। जी हां, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के बाद अब साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी अयोध्या कूच का ऐलान कर दिया है। अखाड़ा परिषद ने तय किया है कि 4 मार्च को प्रयागराज के कुंभ मेले के समापन के साथ ही अखाड़ों से जुड़े साधु संत मंदिर निर्माण के आंदोलन को तेज करने के लिए सीधे अयोध्या कूच करेंगे। इसकी अगुवाई अखाड़ों के नागा सन्यासी करेंगे। वसंत पंचमी के शाही स्नान के बाद कूच की तारीख का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने कुंभ में बुलाई धर्म संसद में ऐलान किया था कि 21 फरवरी को अयोध्या में आंदोलन किया जाएगा और इसी साल मंदिर निर्माण भी होगा। साधु संतों की ये चेतावनी मोदी सरकार को मुश्किल में डालने वाली है, क्योंकि अगर ये आक्रोश शांत नहीं हुआ तो सरकार पर खतरा मंडराना तय है। हिंदुत्व को ही बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है, ऐसे में इस हुंकार से बीजेपी की बेचैनी बढ़ना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।